अभी मैं उतना लंबा देख रहा नहीं हूँ, अभी हमारा रणजी ट्रॉफी चल रहा है तो मेन फोकस उधर ही है। हमारी टीम भी अच्छी है काफ़ी, अभी हमने 2 आउटराइट विक्ट्रीज भी लिया है, तो अभी पूरा फोकस अभी IPL में भी नहीं है, अभी पूरा फोकस रणजी ट्रॉफी में कि हम यहाँ अच्छा करें, सबसे पहले नॉकआउट में क्वालिफाई करें क्वार्टर फाइनल्स के लिए और फाइनल्स खेल के रणजी ट्रॉफी जीतें। किसका मदद रहा आपको यहाँ तक पहुँचाने के पीछे, कौन है वो लोग, फैमिली के लोग है या फिर कोई टीचर, क्रिकेट टीचर? वेल ऑब्वियसली पेरेंट्स का तो काफ़ी सपोर्ट रहता है, फैमिली रिलेटिव सबका बहुत ही सपोर्ट था स्टार्टिंग से ही, बट मेरे कोचेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था उसमें। मेरे कोच वेंकट राम है और हमारे स्टेट के कोच है राजीव कुमार, इन दोनों ने मुझे काफ़ी हेल्प किया स्टार्टिंग से ही, जब मेरा डाउन पीरियड भी चल रहा था उस वक्त भी इन्होंने काफ़ी हेल्प किया था, मदद किया था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्रिकेटिंग लाइफ में, क्रिकेट के बाहर कैसे रहना चाहिए, बिहेवियर कैसा रखना चाहिए, डिसिप्लिन कैसा रखना चाहिए, तो बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है दोनों कोचेस से। कितना पैसा मिला IPL? मेरा बेस प्राइस 20 लाख था, मैंने सोचा नहीं था कि 2 करोड़ के आसपास जाएगा मेरा प्राइस, बट अब चल गया तो अच्छा है, बट पैसे की तरफ मेरा ध्यान नहीं है, मेरा पूरा ध्यान पूरा फोकस खेल पे है। ये पैसा तो बाई प्रोडक्ट हो गया जो मैंने खेला है, तो कोशिश करूँगा कि ऐसे ही खेलता रहूँ और अच्छा खेलूँगा तो पैसे तो आते रहेंगे। खुश है बहुत, परिवार खुश है, सुचिंतक जो है वो भी बहुत खुश है, हम काफ़ी खुश हैं और आगे यही चाहेंगे कि इसी तरह का परफॉर्म करे और डाउन टू अर्थ रहे और आगे जिस जो मौका मिला वहाँ परफॉर्म करे, मौजूदा रणजी सीजन में परफॉर्म करे और सबका सपना होता है खिलाड़ी के तौर पे, जैसे मेरा भाई खेल रहा है मैं देख रहा हूँ, एक खिलाड़ी का सपना होता है कि वो भारत के लिए खेले, तो मेरा भी दिल में इच्छा है, मेरे परिवार की भी दिल में इच्छा है कि वो एक दिन भारत के लिए खेले। पहले सोचता था कि पढ़ लिख के इंजीनियर बने, लेकिन उसका झुकाव क्रिकेट की तरफ था और वो जब स्टार्ट किया तो बढ़िया करते रहा, फिर करते रहा, फिर मैंने सोचा कि जो उसका इच्छा है वो करे और बढ़िया कर रहा है तो करने दिया जाए और फिर मैं उसको प्रोत्साहित करता रहा, वो आगे बढ़ता रहा। थोड़ा सा अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया में हुआ था लेकिन वर्ल्ड कप में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ था मैं भी, वो भी हुआ था, लेकिन फिर अपना मेहनत करके आज यहाँ है, मैं बोलूँगा कि और आगे आराम से काम करते हुए आराम से खेलते हुए फोकस रखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं भविष्य तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन ये सब नहीं किसी भी व्यक्ति में ऐसा चीज़ नहीं आना चाहिए, नहीं स्वभाव ऐसा नहीं है, डाउन टू अर्थ है और वो मैं चाहूँगा कि वैसे ही रहे और आगे बढ़ जाए।